संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की हुई मौत। कमरे में साड़ी से बने फांसी के फंदे पर लटकी मिली विवाहिता। देर रात परिजन विवाहिता को लेकर पहुंचे सीएससी कमालगंज। डॉक्टर ने किया मृत घोषित। हरदोई के बेटा गोकुल के गांव निवासी रश्मि की 8 साल पहले कमालगंज के श्रृंगी रामपुर निवासी गौरव तिवारी से हुई थी शादी। पति गौरव ने बताया, गुरुवार रात को खाना खाने के बाद बच्चों के साथ बाहर लेटे थे। रात 11 बजे बच्चों से सोने को कहा, अंदर माँ के पास सोने के लिए बेटी गई। कमरे का गेट न खुलने पर बेटी ने दादी सहित परिजनों को जानकारी दी। कमरे का गेट किसी तरह खोला तो फांसी के फंदे पर झूलती मिली पत्नी पति गौरव तिवारी। सीएससी कमालगंज में शुक्रवार सुबह पहुंचे मृतका के मां के पक्ष के परिजन। रो रो कर मृतका के भाई ने बहनोई गौरव तिवारी पर बहन को मारकर फांसी पर लटकाने का लगाया आरोप। कमालगंज पुलिस ने शव का पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम को भेजा। थाना कमालगंज क्षेत्र स्थित श्रृंगीरामपुर का मामला। ये क्या नाम है आपका? गौरव तिवारी। कहाँ रहने वाले हैं? श्रृंगीरामपुर। अच्छा, क्या घटना घटी है? ये घटी है, हमारी बीवी ने रात को फांसी लगा ली। हमें जानकारी हुई 11:15 बजे, फांसी पहले भी लगा ली थी। हम बच्चों के साथ बाहर लेटे हुए थे, बच्चे मोबाइल देख रहे थे, तो जब 11 बज गया तो हमने बच्चों से कहा मोबाइल रख दीजिए और सुबह स्कूल जाना है। तो छोटी वाली लड़की ने कहा ठीक है, मैं मम्मा के पास लेटने जा रही हूँ। जब वो मम्मा के पास लेटने गई तो गेट लगा हुआ था, उस पर खुला नहीं, तो उसको गेट से थोड़ी सांस जब आ रही थी, उसमें सांस से देख रही थी कि मम्मा बेड पर नहीं है। तो वो दादी के पास गई, दादी ने कहा बेड पे नहीं है। तो दादी ने देखा कि बेड बिल्कुल खाली है। जब दादी ने गेट खोला तो अंदर देखा कि गोल पंखे पर लटकी है। अच्छा, पत्नी क्या नाम था आपके? रश्मि तिवारी। रश्मि तिवारी, शादी कितने साल हो गए? शादी को 8 साल ही, 9 ही लग गई। 9 साल हो गए। कितने बच्चे हैं? 2। एक लड़का एक लड़की? नहीं, दोनों लड़कियाँ हैं। दोनों लड़कियाँ हैं। कहाँ शादी हुई थी आपकी? शादी हुई थी हरदोई के पास, गांव है बेटा गोकुल के पास, सिकंदरपुर बाजार। अच्छा, वहाँ शादी हुई थी। कितनी उम्र थी आपकी पत्नी की? 30 साल होगी लगभग। 30 साल थे। तो मतलब किस चीज़ से फांसी लगाई थी उन्होंने? ये धोती से। धोती से? और किसमें? कड़े में लगाई? पंखे? नहीं, पंखे पे। पंखे से लगा ली। में धोती लटका के गले में बांध। नहीं, कारण समझ में क्या दिक्कत आ गई थी? कोई नहीं, सुबह को बस अच्छी खासी सुबह भी खाना बनाया और थोड़ी उदास थी, पूछी तो बताया नहीं कि कोई दिक्कत नहीं है। खाना सभी खिलाए, रात को भी खाना खिला के लेटी, कोई दिक्कत ही नहीं थी। कमालगंज स्वास्थ्य केंद्र में महिला लगाया, क्या कंडीशन है और किसके द्वारा महिला को लाया गया? ये यहाँ रात में महिला को लाया गया है जो रश्मि नाम है और खुदागंज की श्रृंगीरामपुर की रहने वाली है, और खुदागंज पुलिस के द्वारा इसको यहाँ पर लाया गया। ये जब यहाँ आई थी तो मृत अवस्था में आई थी, और ये घर वालों को बताया जा रहा है, और जैसा प्रतीत हो रहा है कि फांसी लगाई गई है इसने। फांसी लगाई है जी। तो उसमें क्या पुलिस सूचना दी गई? क्या पुलिस को सूचना रात ही में दे दी गई थी, फिर जिसके लिए पोस्टमार्टम के लिए इनको बताया गया है, तो ये पोस्टमार्टम करवा।